नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वास्तु विशारद नैनेश जोशी आपका स्वागत करता हूँ फ्यूचर गुरु में। आइए जानते हैं 2021 का तुला राशि का राशिफल, किस प्रकार तुला राशि की आर्थिक उन्नति होने वाली है, आपके घर परिवार से आपको किस प्रकार से सहयोग मिलेगा, आपकी शिक्षा वृद्धि में किस प्रकार से आनंद आप उठाने वाले हो, और पूर्ण रूप से 2021 वर्ष आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार से चेंजेस लेके आएगा, आइए जुड़िए हमारे साथ। तुला राशि के लिए विशेषता ये 2021 बहुत बड़ी सौगात लेके आने वाला है। जो हमारे मित्र परिवार यहाँ पे तुला राशि के लोग हैं वो ध्यान देके सुनिएगा। विशेषता तुला राशि के लोगों को जो जॉब कर रहे हैं उनको बहुत से अच्छे चेंजेस आएंगे, प्रमोशन के चांसेस हैं, आपके ट्रांसफर के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शुभ स्थान पे आपको जाने का मौका मिलेगा। बहुत सालों से जो आपके काम नहीं हो पा रहे थे, जो प्रमोशंस की रुकावटें आ रही थी, आपके 2021 में सब कार्य सिद्ध होने वाले हैं, लोग आपका सपोर्ट करेंगे। इतना शुभ समय आने वाला है कि 2021 में मन की संपूर्ण इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। व्यापारी वर्ग के व्यक्तियों को अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, नए वेंडर्स या नए क्लाइंट आने की वजह से आपका काम और रोजगार बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। इस वर्ष आपको ज्यादा लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। जिन जिन लोगों के साथ आप प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो वो लोग सामने से आपके साथ जुड़ेंगे, जिस वजह से आपकी एनर्जी बहुत शुभ रहेगी। और जो जो काम आपने अपने हाथ में गए वर्ष से लिए हैं और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, वो जनवरी फरवरी मार्च में एकदम से फ्लाई करने लगेंगे और बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। विशेषता आपको ये ध्यान रखना है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने हेतु आप अपने काम में लोगों को ऐड जरूर कर लीजिएगा। इस वर्ष आपको रुकना नहीं है, इस वर्ष जितना भी प्रोजेक्ट आप लोगे या जो भी काम बढ़ाओगे आपका निश्चिंत लाभ जरूर होगा। तुला राशि के जातकों के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ही आनंद में रहे, खुश रहे, क्योंकि तुला राशि को इस वर्ष बहुत ज्यादा यश मिलने वाला है। जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उनके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आपने जो मेहनत की है वो रंग लाने वाली है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो विशेषता जो CA वगैरह कर रहे हैं या कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वर्ष विशेष लाभ होने वाले हैं। जून के बाद आप जो भी एग्जाम्स दोगे उसमें आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। आपके शिक्षक वर्ग, आपके गुरु वर्ग आपके बहुत ही प्रेम दे रहे हैं, उनके गाइडलाइंस से डेफिनेटली आपको अच्छे शिक्षक मिलने की वजह से इस वर्ष पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा और आपने जो भी तैयारी की है उस तैयारी से आपको आने वाला वर्ष सफलतापूर्वक रहेगा। 2021 में विशेषता जो लोग शादीशुदा है उनको मैं विशेष चेतावनी दूंगा कि अपने पति या पत्नी को संपूर्ण समय दे। आप शायद बिजी हो सकते हो, काम बहुत हो सकता है, पैसा बहुत होगा, पर इस वर्ष आपको साथ ही साथ परिवार में किसी प्रकार का कलह दोष ना हो इसका भी ध्यान रखना है। जो लोग नए विवाह की इच्छा रखते हैं उनको निश्चिंत ही अच्छे वैवाहिक जीवन का साथी मिल सकता है। आपका जीवन साथी जल्दी ही जल्दी आने वाले जनवरी फरवरी मार्च में भी आपको मिल सकता है, जिस वजह से इस वर्ष में तुला राशि के जो व्यक्ति विवाह से वंचित थे, विवाह दूर नहीं हो पा रहा था, वो विवाह जरूर होगा। जो विवाह में दूरी हो रही है वो भी कम हो जाएगी, जिस वजह से इस वर्ष आपके लिए शुभफल प्राप्ति जरूर होगी। आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो ससुर पक्ष होता है, जो आपका ससुराल है, उनके साथ रिश्ते इस वर्ष आप जरा अच्छे रखिएगा, निश्चिंत वहां से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। उनके साथ प्रेम स्नेह रखने से निश्चिंत घर परिवार में आनंद का माहौल रहेगा और खुशियां जरूर मिलेंगी। जो व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो अपने प्रिय व्यक्ति से फरवरी मार्च और अप्रैल में विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो निश्चिंत इस वर्ष आपके विवाह के योग जरूर बनेंगे। उनका प्रेम स्नेह मिलने से आपके जीवन का आनंद 2021 में आपको भरपूर मिलेगा। 2021 में विशेषतः करियर किस तरफ जाने वाला है इसकी जानकारी हम देते हैं।
आपको 2021 में तुला राशि के लोग जो विशेष मेरी बात सुन के रहिएगा, आपको जो नया जॉब चेंज करना और बहुत समय से किसी कंपनी में आप जॉब करने की ट्राई कर रहे थे वहां पे अप्रोच जरूर करिएगा। आने वाला समय आपको उस जगह पे कुछ न कुछ काम जरूर दिलाएगा। आपकी जो प्रमोशंस की बात हो रही थी उसके लिए आप अपने बॉस के साथ चर्चा जरूर करें, अपने कलीग्स के साथ चर्चा करिएगा। निश्चिंत ही इस बार आपका नंबर जरूर आएगा। आपका समय अच्छा होने की वजह से बॉस भी आपका सपोर्ट करेंगे, कलीग्स भी आपका सपोर्ट करेंगे और करियर में विशेषतः आपको एडमिनिस्ट्रेशन और एंटरटेनमेंट के काम करने वाले जो लोग मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं उन्हें इस वर्ष बहुत ही लाभ होने वाला है। कहीं पे यदि आप कलाकार हो या आर्टिस्ट हो तो आपको काम बहुत मिलेगा, नाम भी इस वर्ष आपको अच्छा मिल सकता है। इससे आपके जीवन का संपूर्ण आनंद 2021 में आने वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उससे एक अच्छा नाम आपका बिल्ड होगा जो भविष्य में आपको ज्यादा समय तक या लंबे समय तक काम दिला सकता है। मेरे व्यापारी वर्ग मित्र हैं उनके लिए भी यह वर्ष बहुत ही शुभ रहेगा। यदि आप जल से संबंधित और कपड़े से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं या आपका भी कोई मीडिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार है, मीडिया में कोई रिसोर्सेस का काम आप करते हो तो निश्चिंत ही इस वर्ष आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि विशेषतः ये मीडिया क्षेत्र के काम करने वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही शुभ रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से उन लोगों के जुड़ता हुआ काम लेते हो या नए प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं तो आप एकदम से फ्री होके काम करिएगा, आपका यश आपको इस वर्ष जरूर मिलेगा। आइए जानते हैं 2021 में तुला राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके घर परिवार में पैसे की बरकत बनी रहेगी, परिवार के लिए कुछ नई चीजें जरूर आ सकती हैं। विशेषतः आप यदि घर पे वाहन लेने की इच्छा रखते हो वो वाहन लेने की इच्छा इस वर्ष आपकी जरूर पूरी होगी। तुला राशि के जातक अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोना चांदी या किसी प्रकार के रत्न लेने से भी आपको लाभ हो सकता है। इस वर्ष तुला राशि के व्यक्ति अपने पत्नी को बहुत खुश रखने की कोशिश करें, उनके मार्गदर्शन से या उनके प्रेम से आप कोई काम या प्रोजेक्ट भी करना चाहते हो तो उनके नाम पे वो प्रोजेक्ट करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। तुला राशि के व्यक्तियों को इस वर्ष इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं तुला राशि के व्यक्ति 2021 में अपने प्रेम जीवन को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तुला राशि के लिए प्रेम विवाह का संपूर्ण शुभ योग माना जाता है। आपके लिए यदि आप अपने प्रिय व्यक्ति से विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हो तो अप्रैल जून और दिसंबर में यदि आप विवाह का प्रस्ताव रखोगे तो निश्चिंत ही उनसे आपको सहमति मिलेगी और विवाह के कार्य संपूर्ण होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि के लिए 2021 थोड़ा साधारण माना जाएगा। आपके पास जैसे तली भुली चीजें कुछ होती हैं, जो तली हुई चीजें आप खाते हो उससे आपके स्वास्थ्य की पीड़ाएं बढ़ सकती हैं। आपको फ्राइड चीजों से थोड़ा सा परहेज करना इस समय बहुत जरूरी है। यदि मधुमेह से जुड़ी भी कोई बीमारी आपके साथ जुड़ी हुई है या किसी लॉन्ग टर्म बीमारी से आप जूझ रहे हो तो तुला राशि को इस बार थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तुला राशि के लोग विशेषता में कुछ ऐसे उपाय आपको बताता हूँ जिससे इस बार मिलने वाले आर्थिक लाभ आपको और भी अच्छे होंगे और पारिवारिक जीवन में भी आनंद बना रहेगा। विशेषकर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं उसके ऊपर आप किस तरह से उपाय कर सकते हैं, ऐसे कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, आप जरूर फॉलो करिएगा। तुला राशि के लिए वैसे तो 2021 साल बहुत ही शुभ है, अब मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ वो आप जरूर फॉलो करिएगा। आपको उस उपाय से जो भी छोटी मोटी तकलीफें आ रही वो दूर होने वाली हैं। तुला राशि के व्यक्तियों को विशेषतः शुक्रवार के दिन आपके माता समान जो व्यक्ति होते हैं उसको सफेद रंग की वस्तु चावल के रूप में या किसी भी प्रकार की शक्कर आप यदि दान स्वरूप देते हो, पर ये याद रखिएगा कि आपके माता की उम्र की कोई व्यक्ति हो उसको आप दान कर सकते हो। तुला राशि के व्यक्ति बुधवार के दिन जो तोता होता है विशेषतः हरे रंग का, उसको आपको कुछ भी अपने हाथ से जैसे मिर्ची वगैरह हरी वस्तु हो सकती है या हरे रंग का आप अमरूद होता है वो आप यदि दान के रूप में देते हो या उनको खिलाते हो तो निश्चिंत ही आपको और भी अच्छे सफलता मिल सकती है। और कुछ दो उपाय मैं आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। आप अपने हाथ से यदि दैनिक रूप से गौ माता को हरे रंग का
जो हम घास होता है वो देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको तुला राशि के जो भी पीड़ाएं होने वाली है उनसे जरूर मुक्ति मिलेगी। और अच्छा उपाय, बहुत कारगर उपाय है, यदि आप बुधवार के दिन आपके पक्षी जो आजू बाजू होते हैं उन्हें दाने खिलाने से, जो आपके कबूतर हो सकते हैं उन्हें यदि आप ज्वार की जो दाने होते हैं वो भी आप खिलाते हो, तो निश्चिंत ही तुला राशि के लोगों के अपने ऊपर जो लोन्स वगैरह है इसे दूर हो सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि तुला राशि का 2021 वर्ष बहुत ही शुभ बीते, हर प्रकार के मंगल आपके जीवन में हो। नमस्कार।